गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आ जाइए जल्दी से, आपका टाइम हो चुका है क्लास का। जैसा कि आप जानते हैं, अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में आपकी सुबह 6 बजे से DLED यानी कि BTC की थर्ड सेमेस्टर मैथ हो रही है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है YouTube से तो आप सर्च करके देख लें। और हाँ, पहले आपको बता दें, अगर आप पहली क्लास देख रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। जल्दी से नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, वीडियो चल रहा है ना, नीचे चैनल का नाम लिखा है PVR स्टडी ग्रुप या PBR स्टडी इलाहाबाद, जिस भी चैनल पे आप देख रहे हो नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब, तुरंत सब्सक्राइब करके और बगल में आई हुई घंटी को जरूर बताना, दबाना उसको, एक बार क्लिक करना, जिससे आपको सभी अपडेट मिल सके और आप घर बैठे फ्री पढ़ सकें, बिल्कुल फ्री। चलिए, आज हम लोग शेयर और लाभांश के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। कल आपने देखा था कि बहुत थ्योरी की सारी क्लास हो गई थी, लेकिन हमने कोई भी सवाल जवाब नहीं किया था ना, तो आप लोग कुछ ट्राई करके तो देखो ना क्या पढ़ा है, कोशिश तो करके देखो ना। चलिए, पूंजी किसे कहते हैं बताइए, सोचिए और जवाब दीजिए। और हाँ, उसके बाद अभी और भी बहुत सारे सवाल हैं, आपके लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं, बस ध्यान देना, कोशिश करना एक बार। कल हमने बताया था कि जब कोई व्यक्ति कोई बड़ी संस्थान या कोई बड़ी कंपनी बनाने की कोशिश करता है या सोचता है उसके बारे में, और उसके पास धन नहीं होता है कि वो लाख रुपए की कंपनी बना ले, तो वो क्या करता है, वो अपना शेयर जारी करता है। क्या करता है? शेयर जारी करता है, और उस शेयर के आधार पर क्या करता है, लोगों को शेयर बेचता है, लोग शेयर खरीदते हैं और फिर वो कंपनी को उसको क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करवा लेता है और फिर इस तरह से कंपनी बन जाती है। जैसे आपने सुना होगा शेयर बाज़ार के बारे में ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को तो पूंजी बोलते हैं ना, ऐसा ही तो कुछ होता है, पढ़ा था कि नहीं बताइए, पढ़ा था ना। इसके बाद हमने आपको दलाली के बारे में बताया था और भी बहुत कुछ बताया था, सवाल नोट करिए और लिख के दीजिएगा बाद में। चलिए, जो कंपनी में, एक इसको शॉर्ट में बोलें तो कंपनी में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है, ठीक है, कंपनी में लगाया गया धन क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। दूसरा सवाल है, शेयरधारी किसे कहते हैं, शेयरधारी या अंशधारी, कल हमने बहुत अच्छे से आपको बताया था, है ना, कमेंट करिए। कल की क्लास नहीं देखा तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में इंड स्क्रीन में मिल जाएगा, उसमें आपको सब कुछ गहराई से समझा दिया जाएगा, शेयरधारी क्या होता है, पूंजी किसे कहते हैं, लाभांश क्या होता है, बट्टा किसे कहते हैं, दलाली क्या होता है, ये सब हमने कल के लेक्चर में आपको 35 मिनट केवल लेक्चर दिया था, है ना, सब कुछ बताया था ना अच्छे से। चलो, तीसरा सवाल लिखना, अंकित मूल्य और बाजार मूल्य में क्या अंतर है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, नोट करिए जल्दी से, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, अंकित मूल्य और बाजार मूल्य में क्या अंतर है, अभी हम हटेंगे, देख लेना, ये सब हम कल पढ़ चुके हैं सवाल, हर एक सवाल को कॉपी में लिखिए और इसको बताइएगा, ठीक ना, कॉपी में लिख के इसका आंसर फोटो खींच के आप सभी भेजिएगा व्हाट्सएप पे। शेयर बट्टे पर कब होता है, जब बढ़ता है तो कि घटता है तो, बताइए शेयर बट्टे पर कब होता है, ये सवाल नंबर 4 हो गया, सभी में क्वेश्चन मार्क लगाना क्योंकि सभी क्वेश्चन है। 5 नंबर नोट करो, लाभांश किसे कहते हैं, लाभांश किसे कहते हैं, डिविडेंड होता है ना, ये 5 सवाल हो गए, सोचिए और कोशिश करिए, नोट करिए जल्दी से कैसे भी। चलिए, अगला सवाल आपको दिखाते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना, गौर से समझने की कोशिश करना साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है, लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है, आप सभी इसको कल पढ़ चुके हो, है ना, कमेंट करते रहो साथ साथ में, जो लोग सीख चुके हैं, जो स्टूडेंट्स कल की क्लास देखे हैं वो कमेंट करते रहें। और हाँ, कल वाले क्लास की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक ना,
उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, जब ये क्लास ख़त्म होगी लास्ट में भी मिल जाएगी। चाहे अगर आपको उसको देखना है तो भगा करके देख लो उसको, मतलब इसको लास्ट में भगा के एकदम ख़त्म करके जब ये क्लास 1 मिनट रहेगी तो देखना, 20 सेकेंड के पहले आपको स्क्रीन पर दिखेगी वो लिंक, उसको ज़रूर देख लेना। तो ये 6 सवाल हो गए, सातवां पे चलते हैं। शेयर दलाल या ब्रोकर किसे कहते हैं? देखो हम ऊपर से ऐसे लिखते चलेंगे, सातवां आठवां लिखेंगे, फिर मिटाते जाएंगे एक एक, बात समझ रहे हो ना? अगर कोई सवाल छूट जाता है तो आप क्लास को थोड़ा पीछे करके फिर से देख लो, पीछे करोगे फिर से आ जाएगा। शेयर दलाल या ब्रोकर किसे कहते हैं? ये सभी सवाल आपको आने चाहिए। दलाल के बारे में हमने आपको कल बहुत अच्छे से बताया था, RTO ऑफिस का एग्जाम्पल दे करके, है ना? और भी बहुत जगह दलाली होती है, शिक्षण संस्थानों में आप कहीं चले जाइए एडमिशन करवाने, वहाँ के जो बाबू साहब होते हैं वो बहुत बड़े दलाल होते हैं, अभी कई एग्जाम्पल हमारे पास है ना? तो ये हो गया। दलाली शेयर के किस मूल्य पर ली या दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 8वां, दलाली शेयर के किस मूल्य पर दी या ली जाती है? देखो मैं बार बार हट जाता हूँ सामने से, दलाली शेयर के किस मूल्य पर दी या ली जाती है? नोट कर लिया, इतना हो गया। चलो ठीक है, अगला देखना आप। ये आपका हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, नीचे 5वां 6वां भी लिखा, लिखते चलो नहीं तो मिटाते चलेंगे। 9वां नंबर लिखो, एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 9, एक कंपनी 25 लाख, कितना 25 लाख रुपए एकत्र करने के लिए, अभी मैं आगे से हट रहा हूँ, नोट कर लीजिए जल्दी करिए, शेयर का विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है, क्या करती है? शेयर का विज्ञापन करती है। करती है यदि एक शेयर का मूल्य 100 रुपये है, तो फिर वो कितने शेयर जारी करेगी? बताओ जल्दी से। एक शेयर का मूल्य 100 रुपया है तो कंपनी कितने शेयर जारी करेगी? कोशिश करना एक बार, देखना आएगा। तो साथियों ये आपके 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 नंबर पर हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे से, प्यार से आगे चलते रहें, खिसकते रहें, बस आप लोग देखते रहो, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस कोशिश करते रहना, सब आएगा। अगर कल की क्लास नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लेना, ठीक ना? कल की क्लास अगर आप देख लोगे तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, 10 नंबर पर चलते हैं, 10 नंबर पे। एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये, नोट करो जल्दी से, सवाल नंबर 10वां, एक क्रेता, अब क्रेता के बारे में आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट करना, हर बात बताएंगे, लेकिन कमेंट करोगे तब पूछ लेना, कमेंट करके जवाब मिल जाएगा। एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये, ये क्रेता ऐसे लिख रहे हैं, एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर बताया गया हो,
और बाजार मूल्य 40 रुपया प्रति शेयर, कितना? 40 रुपया प्रति शेयर बताया गया हो तो क्या क्या निकालना है, ध्यान देना। नंबर एक, क्रेता को 300 शेयर के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा? अगर वो 300 शेयर लेता है तो कितना पैसा देगा? क्रेता को 300 शेयर के लिए कितना मूल्य देना पड़ेगा? दूसरा सवाल है इसमें, शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था? शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर ही खरीदा था? नीचे देखो, थोड़ा कम दिख रहा है, इस वजह से नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना? अभी ऊपर लिख देंगे। चलो जल्दी नोट करो ऊपर, ये 7वां नंबर आप लिख लिए होंगे, 7वां 8वां ना। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं एक सिस्टम से, अगर आप हमारे साथ साथ लिखोगे तो कोई ना छूटेगा। और इन सारे सवालों का जवाब आपको देना है अगर आपको DLED BTC थर्ड सेमेस्टर में पास होना है। पास ही नहीं, मतलब अच्छे नंबर लाने हैं। पास होने के लिए तो आप पास हो जाओगे जितना पढ़े हो अभी तक उतने में ही, लेकिन 25 में 25 नंबर या 24 नंबर, इससे कम नहीं। उसके लिए आपको ये सब आने चाहिए। दूसरा इसी में का है, देखो ये 10वां क्वेश्चन था, इसमें दो सवाल हैं छोटे छोटे। इसमें का दूसरा क्या है, शेयरधारी को क्या लाभ होगा? शेयरधारी मतलब जो खरीदेगा, क्या लाभ होगा यदि उसने शेयर अंकित मूल्य पर ही खरीदे हैं? कोशिश करना, अगर कल की क्लास देखा है तो सब आएगा, जो नहीं आएगा कमेंट करना, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर सवाल लिखो जल्दी से। 100 रुपया अंकित मूल्य के 150 शेयर, 100 रुपया अंकित मूल्य के 150 शेयर जिनका बाजार मूल्य 300 रुपये प्रति शेयर, जिनका बाजार मूल्य 300 रुपया प्रति शेयर, और दलाली 3% है। भाई बिना दलाली के तो कुछ होता नहीं आजकल, है ना? दलाली 3% है तो शेयर को खरीदने के लिए कितना धन चाहिए बताओ जल्दी से। तो खरीदने के लिए कितना धन चाहिए? देखिए सवाल को लिखने के बाद हम हट जाते हैं। ना इतना इतना जल्दी से लिख, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीक्रेट, किसी से नहीं बताना, लेकिन जल्दी करिए तब, नहीं तो छूट जाएगा, फिर सुन भी ना पाओगे। चलें आगे, देखिए साथियों, हम आपको ये बात बताने वाले हैं कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे भी छात्र हैं और छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने पेमेंट करके क्लास को ज्वाइन किया है ना? पहले किया था तो अब तो लगभग क्लास यूट्यूब पे वैसे हो जाती है, आप लोग लगभग लोग देख लेते होंगे, लेकिन आप जानते हैं कि बीच बीच में कुछ क्लास अभी भी यूट्यूब पे पब्लिश नहीं की जाती कभी कभी, है ना? उसका रीज़न क्या है, जो स्टूडेंट्स ज्वाइन है पेड वाले हैं सिर्फ वही देख पाते हैं उसको। तो 10 क्लास में से अक्सर 3 या 4 क्लास ऐसे होती हैं जो यूट्यूब पे पब्लिश नहीं होती हैं,
और कभी कभी हमारे ऑपरेटर साहब की लापरवाही की वजह से ज़्यादा क्लासें पब्लिश हो जाती हैं, कभी कभी उनकी जो है ज़्यादा महानता होती है तो कुछ कम ही पब्लिश होती हैं। तो जो क्लास नहीं पब्लिश होती उनको सीक्रेट रखा जाता है सिर्फ पेड वाले। क्या करते हैं जो पेड है वो अपने शेयर कर, तो कृपया कर ऐसा ना किया करें, नहीं तो 11 लोगों को सूचित किया। तो आप लोग बाद में फिर परेशान होते हैं, फिर हमसे बात करते हैं, उनसे बात करते हैं, इधर उधर शोर से वो लगाते हैं, अच्छा नहीं होता है। थोड़ा सा नाम मात्र का शुल्क है, आप लोग जिनको भी देखना है उनसे पेड करवा दीजिए, या फिर आप शेयर मत करिए, ठीक ना, बात समझ रहे हो ना। तो भाई जीने दीजिए। आप जानते हो कि डाटा शुल्क बढ़ गया है अपने यहाँ इंडिया में ही, जो डाटा शुल्क आपका 399 रुपये में था, आप जानते हो कि आपकी क्लास इंटरनेट से ही चलती है ना, 1 GB का जो वीडियो होता है वो 10 मिनट का सिर्फ होता है बस, जो हम आपको वीडियो बिना कंप्रेस किए ओरिजिनल में अपलोड करते हैं ना 30 मिनट का, वो 30 मिनट का वीडियो के लिए 3 GB डाटा लगता है। और आप जानते स्टडी में कम से कम 5 GB होती है, तो 6 क्लास का जोड़ लीजिए तो मतलब 18 GB डाटा डेली। कितना GB? 18 GB। अब आप सोच रिचार्ज कराएंगे, वाईफाई ले लो, वाईफाई में होगा हर जगह भाई हाल होगा ना, कहीं अलग थोड़ी होगा। तो अब ये जो मात्र 399 का प्लान था ये 598 में हो गया 84 दिन के लिए। तो आपका जो ज्वाइनिंग शुल्क है अभी भी 5 दिसंबर तक वही है पुराना वाला, जो भी करना चाहते हैं ज्वाइन कर लें, नहीं तो ये जो 550-600 था ना ये 1000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि भाई हमें भी किसी को तो लेना पड़ेगा, है ना, बात समझ रहे हो ना। तो ये बात थी जो आप समझ चुके हो। हाँ, अगर आपके पास कोई सुझाव या शिकायत है तो आप हमें दोपहर 12 से 1 के बीच में फ़ोन करके बता सकते हैं, और हमारी कोशिश होती है आपके फ़ोन कॉल लगभग हम उठाते हैं, या फिर हमारे भाई साहब उठाते हैं, या असिस्टेंट लोग उठाते हैं, जो भी उठाएगा आपको जानकारी। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं जिसको फ़ोन करने में लाज लगती है, ईमेल आईडी है pvrstudy@gmail.com। ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट करें pvrstudy.com। स्टडी मटेरियल बहुत सारे इस पर फ्री में आपके लिए उपलब्ध हैं। नए साल के उपलक्ष्य में आपके लिए पीवीआर एक नई सुबह। तो साथियों अपनी दुआ बनाए रखिएगा जिससे कि हम सही सलामत रहें और फिर हम लोगों का ये सफ़र ऐसा होता रहे। और लिख लिए ना इसको, देखिए आज बड़े फुर्सत में लग रहे हैं हम, है ना, क्योंकि आज हम आपको ओरिजिनल क्लास दिखा रहे हैं। मतलब अक्सर होता क्या है, आज आपको एक सीक्रेट में बताने को बोला था ना, ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय क्या होता है, जैसे क्वेश्चन लिख दिया जाता है और उधर हमारे साहब होते हैं और रोक देते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चन लिखा जाता है, और जब बोर्ड में लिख जाता है क्वेश्चन तो फिर से वो चालू कर देते हैं। इस तरह से आपको नहीं पता चलता कि ये लिखा कब गया। कभी कभी आप ऐसे क्लास देखते हो ना, तो ऐसी क्लास में साथियों 10 मिनट रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उसमें को लगता है यार इतना देर तो फालतू 15 मिनट पढ़ा है, उस 15 मिनट को रिकॉर्ड करने के लिए हम 45 से 50 मिनट खर्चा करते हैं। हमने सोचा आप तो ऐसा करें ओरिजिनल देख लो, 20 मिनट की क्लास हुई मिनट में पा जाते सारे कुछ, अगर हम लिख लिख के तब आप होते। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, उस टॉपिक में क्या देखेंगे पता है, 6:30 बजे से आज हम लोग देखेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, इसके साथ साथ लाइक का मतलब होता है चर और अचर, मतलब होता है सजातीय पद, जैसे जरूर देखना प्यार स्टडी इलाहाबाद चैनल पर। हाँ, ये सेम टू सेम क्लास थर्ड सेमेस्टर वाली आप रात 9:30 बजे से कर सकते हैं पीवीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर। कहाँ पर? पीवीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर, ना भूलना मत। और हाँ, डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर प्रथम सेमेस्टर की क्लास आप पीवीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर रात्रि 10 बजे कर सकते हैं,
कितना बजे? रात्रि 2 बजे से पीबीआई डीएलएफ समय। तो इन्हीं बातों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करें, जिससे कि आप